वेलकम बैक बिट्टू टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको आरसीसीबी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर का लाइव टेस्ट करके दिखाएंगे। हाय, मैं हूँ रमेश सिंह और आज हमने अमेजन से हमें आरसीसीबी रिसीव हुआ है। देखिए, अमेजन का ये पैकेट है, हमने जो है आरसीसीबी मंगाया हुआ है। ये एक्सीलेंट कंपनी का है और ये लगभग 936 रुपये का हमने मंगाया हुआ है। ये घटता बढ़ता रहता है, आपको कभी 850, 900, 1000 रुपये के आसपास तक ये मिलता है और इसकी एमआरपी तो बहुत ज़्यादा है। इधर देख लीजिए, 1499 रुपये है। तो ये इसे ओपन कर लेते हैं हम। ये है आरसीसीबी, इसमें 32 एम्पियर की एमसीबी लगी हुई है। 32 एम्पियर की एमसीबी, एक्सीलेंट कंपनी है, 32 एम्पियर की एमसीबी है और साइड में जो है ये 32 एम्पियर की एमसीबी है और साइड में हमारा जो है आरसीसीबी है। इसमें एक स्विच भी दिया हुआ है, 3 से 30 मिली एम्पियर पे ये काम करता है और इनपुट और आउटपुट, यानी इनपुट का मतलब जो हम खम्भे से जो सप्लाई लेते हैं वो है और आउटपुट जो हम घर को सप्लाई देंगे। तो और इसमें फेस और न्यूट्रल दोनों में इंडिकेटेड है, जहां हम फेस को फेस पे लगाएंगे, न्यूट्रल को न्यूट्रल पे लगाएंगे, उल्टा नहीं करना है आपको। जहां पी लिखा हुआ है वहां हम टेस्टर से चेक करके फेस देंगे और जहां एन लिखा है वहां न्यूट्रल दे देंगे। और ये हम एमसीबी बॉक्स में भी आसानी से हमारा लग जाएगा। ये लॉक है, लॉक को खींच करके एमसीबी बॉक्स में आप लगा सकते हैं। ये चार पोल का एमसीबी बॉक्स जो आता है उसमें भी लग जाएगा या बड़े एमसीबी बॉक्स में भी लग जाएगा। ये इसका टेस्टेड जो टेस्ट किया गया है उसका सर्टिफिकेट भी ये लोग देते हैं कि कैसे कैसे हमने टेस्ट किया है और कहाँ कहाँ ये काम करेगा। और ये एक साल की वारंटी भी इसमें है, देखिए नीचे लिखा हुआ है एक साल की वारंटी है और टर्म एंड कंडीशंस भी अपना देते हैं लोग। और इस कंपनी की खासियत ये है कि ये मोबाइल नंबर भी अपना देता है और टेक्निकली वो सपोर्ट भी करते हैं लोग। कभी भी आपको कोई समस्या हो तो वो आप उनसे कंसल्ट करिए, वो तुरंत आपको सपोर्ट भी करेंगे। इसलिए हम किसी को भी इसी एक्सीलेंट कंपनी का ही परचेज करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि और सारी कंपनियां जो है गारंटी भी नहीं देती हैं। अगर फॉल्ट होता है, जल जाता है तो गारंटी नहीं देती हैं, लेकिन ये गारंटी देती है। सबसे पहले हम इसका कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेते हैं, सही है कि नहीं है। तो अभी हमारा ऑफ पोजीशन में है, हम ऑन कर लिया। अब हम फेस का फेस, न्यूट्रल का न्यूट्रल सब कुछ चेक कर लेते हैं। फेस फेस सही है, बीप दे रहा है और न्यूट्रल न्यूट्रल भी हम चेक कर लेते हैं, ये भी सही है। यानी एमसीबी आरसीसीबी जब आती है तो उसको हम चेक कर लेते हैं। ये बाईपास बटन है और ये हमारा लीकेज सेट करने के लिए है, 3 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर तक हमारा जो है ये सेट करने के लिए नॉब बना हुआ है, जिसे हम टेस्टर या पेचकस की मदद से हम कर सकते हैं, हाथ से भी हम कर सकते हैं इसको ऊपर नीचे। उसमें पेचकस टेस्टर लगाने के लिए भी जगह दिया हुआ है, तो ये सब सही है। और इसमें टेस्ट बटन भी है, जिससे हम महीने में लगभग टेस्ट करते रहें, एक दो बार हम टेस्ट कर लें। तो सबसे पहला काम हमारा है इनपुट देना, यानी ग्रिड से सप्लाई, जो खम्भे से जो सप्लाई आ रही है वो इनपुट पे हम देंगे। तो हम जो है इनपुट सप्लाई देंगे अपने सीरीज लैंप से। इसके लिए हमको फेस और न्यूट्रल में कनेक्ट कर लेते हैं, या जहाँ इनपुट है वहाँ हमको कनेक्ट करना होगा। और मेरे ख्याल से जो है आरसीसीबी आप सबको लगवा लेना चाहिए, क्योंकि ये सॉफ्ट गार्ड होता है, ओवर वोल्टेज पे भी ये काम करता है, शॉर्ट सर्किट पे भी काम करता है। आपकी जान माल का जो खतरा होता है घरों में, उससे आपको बचाता है हमेशा। जो है जो भी बिजली का काम करते हैं या ऐसे भी काम करते समय हमको कभी कभी झटके लग जाते हैं, कभी कभी हमारी लापरवाही से किसी की सदस्य की जान भी जा सकती है, या
गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं लोग जल करके। तो अगर ये आपके घरों में लगा हुआ है आरसीसीबी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही मंगाइए, आप कोई भी सॉफ गार्ड मंगा करके अपने घर में ज़रूर लगाइए। जैसे हम अब बाइक ख़रीदते हैं या कोई भी गाड़ी ख़रीदते हैं, उसका इंश्योरेंस तो हम कराते ही हैं और वो एक साल में एक्सपायर हो जाता है, फिर भी हम उसको कराते हैं। तो ये हमारा ज़्यादा कीमती तो है नहीं, 1000 रुपये के आप इन्वेस्ट करिए और अपने कम से कम एक साल तक तो आपकी लाइफ सेफ है ही। तो हमने इनपुट में इसको कवर कर दिया है, हेस को हेस में और न्यूट्रल को न्यूट्रल में हमने लगा दिया है। अब हम इसको जो है सीरीज लैंप से इसको हम देंगे सप्लाई, क्योंकि सीरीज लैंप से ही हम ज़्यादा देते हैं। तो सीरीज लैंप से हम इसको सप्लाई देंगे और इसका टेस्ट करेंगे। तो हमने सीरीज लैंप से सप्लाई दे दिया है इसमें। अब हम स्विच ऑन करते हैं, ये स्विच ऑन किया, ये हमारी जो है नीली या ग्रीन जो भी आपके दिख रहा होगा ये लाइट जल जाती है। अगर आप पोजीशन में है तो लाइट नहीं जलेगी, ऑन हमने किया तो ये लाइट जल गई। वर्किंग पोजीशन में हमारी लाइट नीली या ग्रीन जलेगी। अगर हमारा वर्किंग नहीं है, बाईपास आपने कर दिया, तो रेड जलेगी, यानी खतरा है। अगर कभी कभी हमारे घरों में बार बार ट्रिप होने लगे, आपको समय नहीं हो बनाने का, तो आप इस तरह से बाईपास कर सकते हैं। और ये टेस्ट बटन है, सप्लाई रहेगी तभी ये टेस्ट बटन काम करता है। तो टेस्ट बटन आप दबाएंगे तो ये ट्रिप हो जाएगा, यानी एमसीबी हमारी ट्रिप हो जाती है। इससे पता चलता है कि हाँ, हमारी आरसीसीबी जो है वर्किंग पोजीशन में है। तो महीने में आप एक दो बार टेस्ट करके टीप जो लिखा हुआ है उस पर उंगली से ही प्रेस करिए, यानी बिजली रहेगी तभी आपको प्रेस करना होगा, तो एक दो बार आपको कर लेना चाहिए। तो हमने तो अब जो है हम इसको आउटपुट भी देंगे। आउटपुट में हमने एक लोड के लिए बल्ब लगा रखा है, बल्ब को हमने होल्डर में नहीं सेट किया है, पीछे से टाका लगा दिया है, और इसी को हम जो है लोड के रूप में, यानी घर की सप्लाई जो होती है उसके रूप में इस बल्ब को हम लगा करके आपको दिखाएंगे और लाइव टेस्ट करेंगे। आप अच्छे से समझ लीजिए कैसे हमको घर का कनेक्शन करना है, यानी इनपुट में ग्रिड से यानी खम्भे से जो हमको फेस और न्यूट्रल मिल रहा है सिंगल फेस, वही देंगे, फेस को फेस में, न्यूट्रल को न्यूट्रल में लगाएंगे, और घर की सप्लाई में भी जो हमारे फेस के रूप में है उसको फेस में लगाएंगे और न्यूट्रल के रूप में जो होगा उसको न्यूट्रल में लगाएंगे। हमने देखिए ये खम्भे की ओर से हो गया एक तरह से, जो हमारा सीरीज लैंप की ओर से, और ये जो मेरा बल्ब है ये आपके घर की सप्लाई होगी लोड। अब इसको हम ऑन करेंगे, ठीक है, ऑन हमने किया, हमारे घर की सप्लाई जल गई, यानी हमारा बल्ब जो है ऑन हो गया। अब हमारा ये वर्किंग पोजीशन में भी है, यहाँ वर्किंग की लाइट भी जल रही है, और अगर हमने बाईपास कर दिया तो हमारा ये टेस्ट भी करेंगे, टीवी दबाएंगे तो काम नहीं करेगा, ट्रिप नहीं होगा। लेकिन हमको हमेशा अपने आरसीसीबी को वर्किंग पोजीशन में ही रखना है, यानी नीली लाइट जलती रहनी चाहिए, ये हमारा ओके का सिंबल है और इसी में ही हमारा रहेगा। और ट्रिप बटन दबाएंगे यानी टेस्ट बटन दबाएंगे तो ये ट्रिप हो जाएगा, एमसीबी तुरंत गिर जाएगी। तो ये हमारा वर्किंग पोजीशन में आ गया। अब हमारा जो है आरसीसीबी काम करने लगी, घर की सप्लाई को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया इसने। अब अगर किसी को करंट लगता है तो ये हमारा काम करना शुरू कर देगा। अब हम इसको लीकेज कराएंगे। एक हम 0 वाट का बल्ब जिसको हम बोलते हैं, ये 0 वाट का बल्ब है, एलईडी बल्ब है ये, तो इससे हम इसको लीकेज कराएंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये जलता है कि नहीं जलता है। तो फेस न्यूट्रल में हम लगा लेंगे और इसको जो नॉब है आपका उसको मिनिमम पे कर लेंगे, यानी 3 mA जो लीकेज करंट है उस पर कर लेते हैं और इसे हम टेस्ट करते हैं पहले। तो सबसे पहले हम इसे फेस न्यूट्रल में लगा करके देख लेते हैं बल्ब हमारा सही है कि नहीं सही है। तो ये हमारा बल्ब तो सही है, अब हम इसको लीकेज कराएंगे। यानी लीकेज कैसे कराते हैं, एक इनपुट में ले लेंगे, एक आउटपुट पे ले लेंगे, तुरंत हमारा देखिए ट्रिप हो गया। इसी तरह से हमारा लीकेज होता है। तो देखिए हमने लीकेज कराया, ये यानी आरसीसीबी हमारी काम कर रही है। सेम कंडीशन में हमारा इनपुट और आउटपुट से नहीं लिया जाता है,
ये हम टेस्ट करने के लिए आपको दे रहे दिखा रहे हैं। हमारा जो है घर का जो आउटपुट का फेज न्यूट्रल होगा उसमें से एक कोई भी एक अगर वहाँ से करंट लीक कर रही है बॉडी में ग्राउंड में या किसी हमारे शरीर से अगर टच कर दे रहा है तो वो लीकेज हो जाएगा करंट, और अनबैलेंस करंट जब होगा तो हमारा जो है सीधे आरसीसीबी ट्रिप करा देगी। अब हम आपको छू करके, बहुत कमेंट मिल रहे थे कि आप छू करके वीडियो बनाइए, कि आप छू करके दिखाइए हमको कि ये काम करता है कि नहीं करता है, तो हमने सोचा कि आपको जो है छू करके एक वीडियो बनाए। लेकिन आप छू करके टेस्ट नहीं करना, ये बहुत ख़तरा हो सकता है, क्योंकि हम जो है हमारे आसपास और भी टेक्निकल लोग हैं जो अगर कुछ होता है तो वो लोग हमको बचा सकते हैं। लेकिन आप जो है कभी भी छू करके टेस्ट नहीं करना है। हम आपको ये सजेशन नहीं देते हैं कि आप जो है इसको लगाने के बाद भी आप छूइए, तो इस तरह से आपको छूना नहीं है। तो और आपके बॉडी के जब भी हम टच करते हैं तो बॉडी के दूसरे हिस्सों में नहीं हमको टच करके हम देख रहे हैं, हम हाथ पे ही टच करेंगे। यानी हाथ पे अगर जलता भी है तो कोई बात नहीं है, और दूसरी स्किन पे हाथ के ऊपर वाली स्किन अगर जल जाती है तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि हम छूने में हो सकता है कि थोड़ा बहुत छेद हो जाए हाथ में। इस तरह से जो है हम इसको टच करेंगे, बस छूएंगे नहीं, बस टच करेंगे। तो अब हम आपको लाइव टेस्ट कर रहे हैं, देखिए हम इसको टच करने वाले हैं, और आप एमसीबी आरसीसीबी पे ध्यान दीजिए। हम इसको देखिए टच किया और आरसीसीबी हमारी ट्रिप हो गई। बहुत ही जानने के बाद भी डर लगता है, देखिए हमने इसको टच किया आरसीसीबी हमारी ट्रिप हो गई। एक बार और हम टेस्ट कर लेते हैं, हम अपने हाथ पे ही टच करेंगे, पकड़ना नहीं है इसको। कभी कभी नहीं काम करा तो क्या हुआ, जैसे ट्रिप हो गया। देखिए इस तरह से ये आरसीसीबी हमने टच करके आपको दिखा दिया, और आपको नहीं छूना है। ये टच करने पे भी हमारा जो है आरसीसीबी काम कर रही है। अगर आपको मंगाना है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप अमेज़न से मंगा सकते हैं। थैंक यू।